बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े के क्विक रेडी होने वाले पूरी वाले आलू चने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फ्लेम ऑन करके तो पैन रख लिया हुआ था प्री हीट होने के लिए। तो अब ये प्री हीट हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे ऑयल, जो मैं तकरीबन डालूँगी 4 टेबल स्पून। और अब इसमें डाल दूंगी अनियन, जो कि मैंने एक छोटा लिया, इसको बारीक चॉप कर लिया होगा। और इसको मैं 2 से 3 मिनट तक ही सोटे करूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर ब्राउन ना होने पाए, इसे बेहतर। फिर मैंने 2 से 3 मिनट तक प्याज को सोटे किया यहाँ तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। तो अब इसमें डाल देती हूँ गार्लिक, जो कि मैंने बारीक चॉप किया कर लिया हुआ है, वो 1 टेबल स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक ही सॉफ्ट करने के लिए ही कुक करूँगी। इसको भी 2 से 3 मिनट तक ही हम पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पे प्याज और गार्लिक जो है वो दोनों ट्रांसकलर हो चुके हैं, यानी कि थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब मुझे इसका कलर ब्राउन नहीं चाहिए, मैंने इतना ही करना है। इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून जो पानी, ताकि इसका कलर ब्राउन ना हो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट या अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स, वो भी 1/2 टीस्पून में डाल दूँगी। और इसमें जाएगी रेड चिली का पाउडर 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैंने चिली फ्लेक्स भी यूज़ किए हैं। और इसमें लेस देन 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी, गरम मसाला जाएगा वो भी 1/2 टीस्पून। और इसको अच्छी तरह स्पाइसेस के साथ भून लेंगे। और अगर थोड़ा सी ज़रूरत पड़ी तो 1 टेबल स्पून हम और पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। यहाँ पे हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो इसमें डाल रहे हैं 1 लार्ज साइज का जो पोटैटो है, इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया। यहाँ में मैं इसको भूनूंगी और इसके बाद मैं उबले हुए चने ऐड कर दूंगी, जो हम पूरियों के साथ आलू और चने सर्व करते हैं। मैं उसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसको 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें पानी ऐड करके साथ में उबले हुए चने ऐड कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मैंने आलू को अच्छी तरह से भून लिया, तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला था ताकि यह नीचे ना लगना शुरू हो जाए। तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ 2 कप पानी। साथ ही मैं यूज़ करूँगी उबले हुए चने, तो वो भी तकरीबन मेरा 1.5 कप है। अब मैं इसमें चने डाल देती हूँ जो कि 1.5 कप है। तो इसके साथ ही हम इनको पकने के लिए रख देते हैं। चने चूँकि उबले हुए हैं, अब हम आलूओं के पकने का वेट करते हैं। और आप डिपेंड करता है आपने ग्रेवी कितनी रखनी है, मैंने 2 कप डाले हैं। आप ये देखें यहाँ पे हमारे आलू अच्छे गल चुके हैं और चने तो ऑलरेडी उबले हुए हैं। अगर आपको थोड़ी सी इसकी ग्रेवी जो है वो ठीक चाहिए, तो आप कुछ आलू और चने जो हैं वो मैश कर लें। यहाँ पे आलू हमारे अच्छे गल चुके हैं, तो आप चाहे फोक लेके मैश कर लें और चाहे आप किसी स्पून की मदद से मैश कर लें, तो ये बिल्कुल ऑप्शन है। अगर आपको मैश करना है तो करें, अदरवाइज ये आपकी चॉइस है। तो अभी इसमें मैं डाल दूंगी अबाउट 1/2 टीस्पून कलौंजी के दाने, और इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून जो है वो कसूरी मेथी, यानी कि जो खुश्क मेथी होती है इसका 1/2 टीस्पून डाल दूंगी।
और इसको मैं 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर रख दूंगी दम के लिए, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही हैं। तो हमारी ये पूरियों वाले आलू चने रेडी हैं। अगर आपने मेरी पूरियों की वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पे है, वो देख लें। और ये मैंने आलू चने बिल्कुल रेडी हैं, तो देखें इसकी कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी रेडी हुई है। ये आपकी मर्ज़ी, आपको ठीक चाहिए कि थिन, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें आप कंसिस्टेंसी देखें, पूरियों वाले आलू चने के बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। कि मैंने आलू चने को होममेड पूरी के साथ सर्व किया है। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो देखिएगा, जो सॉफ्ट पूरी वाली रेसिपी है। ये देखें बहुत ही मज़े की सॉफ्ट रेसिपी, और ये आलू चने तो परफेक्ट इस रेसिपी के लिए, और बहुत ही मज़े की आलू चने विद पूरी रेडी हैं। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पूरी वाले आलू चने को सर्व कर लिया है, बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप भी प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.